Assalamu alaikum, and we are talking about basic concepts of linguistics now. So it is pertinent to discuss Ferdinand de Saussure, who was the father of modern linguistics. Because of his theories on the structure of language, the Swiss linguist Ferdinand de Saussure is often known as the founder of modern linguistics. So he, in his famous book, A Course in General Linguistics, gives the idea of semiotics, in which he talks about the sign, signifier, and signified. So these three terms are used by him, apart from structuralism, because he is the one who talked about structuralism. So according to him, the words we write, the words we speak, they are not symbols. Rather, they are signs. अगर वो सिंबल होते तो उनके कोई रेफरेंस होते, वो किसी चीज को रेफर करते. दे आर नॉट सिंबल्स, दे आर साइंस. तो वो वर्ड्स को साइन कह रहा है. अब जो साइन, इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं आगे, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. जो सिग्निफायर है वो एक कंक्रीट इमेज है, और सिग्निफाइड एक मेंटल इमेज है. So it is our perception, or how we view this thing, anything, together with sound system of our language, that creates the two-part mental linguistic unit he referred to as a sign. Yani linguistic unit kya hai? Koi lafz jo likhne mein hai, jo bolne mein. For example, main lafz likhta hoon cat. Ab jo cat word hai, maine likha aur aapne padha. मैंने कैट बोला और आपने सुना. सो द वेरी वर्ड, द लिंग्विस्टिक यूनिट इज अ साइन. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ साइन. द वेरी ऑब्जेक्ट कैट इज द सिग्निफायर, और नाउ दैट सिग्निफायर इज रिप्रेजेंटिंग सम मेंटल इमेज, व्हिच इज द इमेज ऑफ कैट दैट वी आर हैविंग इन अवर माइंड. एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे कहते हैं कि एक पेडेस्टल फैन ऑन कर दें, गर्मी है, तो मैं आपके सामने एक कागज का बना हुआ एक पंखा रख देता हूं, है वो भी पंखा. तो बट दैट इमेज इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट इमेज विच इज देयर इन योर माइंड, जिसके बारे में आपको पता है कि ये इसकी वर्किंग ऐसी होगी जो कि उस कागज के पंखे की नहीं हो सकती. सो साइन ऑल टूगेदर वो लिंग्विस्टिक यूनिट है फैन का. Now the fan itself, जो उसकी शेप है वो सिग्निफायर है, और सिग्निफाइड वो है जो कि उसका एक मेंटल इमेज आपके माइंड में है, जिसके बारे में हमें है कि ये चलता है तो इसके पार घूमते हैं और ये हवा देता है. Saussure, he, according to him, signified and signifier, they are both psychological. They form rather than the substance. Like today, Lewis, the signifier, following Lewis, the signifier is interpreted as the material form, the concrete form of something, something which can be seen, smell, touch, which is the tangible object in a way, and signified is the mental concept of that image. Now this is an example in front of you, if you can see. The concept of Google, the signifier Google and the signified a search engine that we know what Google does are inseparably one. You cannot break that relation. Jis tarah ek page hai, ek page ke upar content likha hai, to content aur page ab alag nahi ho sakte. सिमिलरली वो जो सिग्निफायर जो गूगल मैंने खोला और उसका जो एक मेंटल मेरे जहन में इमेज है कि ये इंटरनेट की एक सर्च बार है, सर्च इंजन है, दे आर एसेंशियली सेम. वो दोनों एक ही चीज है. कैट की बॉडी और कैट का मेंटल इमेज सेम है. एक दरख्त की बॉडी, दरख्त का मेंटल इमेज सेम है, एक दूसरे के बगैर नहीं है. ये दोनों साइन से निकले, ये दोनों साइन के कंपोनेंट है.
You cannot have one without the other. The sound image or impression in our mind is of that logo representing Google. आपके मोबाइल में या आपकी लैपटॉप स्क्रीन पे जो लोगो है वो गूगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो जो साउंड इमेज मैंने गूगल बोला ये साउंड इमेज है, या वो जो उसका लोगो है वो एक तरह से एक साइन है जो कि एक किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वो जो इंप्रेशन है बेसिकली कि वो जो एक वो उसका होना वो क्या काम करता है बेसिकली, तो ये बेसिकली हमारे माइंड की वर्किंग्स हैं कि हम उसके आगे दो पार्ट्स बनाते हैं कि एक सिग्निफायर है एक सिग्निफाइड है. सिग्निफायर जो है वो एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, सिग्निफाइड जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है विद इन आवर माइंड. आफ्टर दैट यू ऑल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग एंड पैरोल. सो इन शॉर्ट लैंग इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, द वे लैंग्वेज इज मेड, द वे लैंग्वेज इज यूज्ड, द वे लैंग्वेज इज स्पोकन फॉर कम्युनिकेशन. एवरी लैंग्वेज हैज सर्टेन रूल्स जो कि उस लैंग्वेज को बनाते हैं, उसकी थ्योरीज डेवलप करते हैं. तो वो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि एक लैंग्वेज को कंप्लीट करते हैं, जिसमें ग्रामर भी है, उसका सिंटेक्स भी है, ये सारा कुछ ये लैंग है. पैरोल ऑन द अदर हैंड इज हाउ दीज रूल्स आर पुट इन टू एक्शन बाय द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज. पैरोल इज द प्रैक्टिकेबिलिटी, हम उस चीज को यूज कैसे करें, के जो लैंग्वेज के रूल्स हैं उनको हमने कैसे यूज किया, कैसे उस लैंग्वेज को बोला, कैसे रूल्स को हमने चेंज करके एक और लैंग्वेज बोली. दिस इज जैसा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये इंग्लिश में है. आप उसे उर्दू में करेंगे तो उर्दू में आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब बाद में आ जाएगा. तो रूल्स हैं लैंग्वेज के अंदर. तो जो रूल्स हैं बेसिकली जो लैंग्वेज इटसेल्फ वो लैंग है, और जब उसको एक्शन में लेके आते हैं तो वो पैरोल कहलाता है. उसी के साथ दो टर्म्स है हमारे पास, सिंटैग्मैटिक एंड पैराडिग्मैटिक रिलेशन. सो सिंटैग्मैटिक रिलेशन इज अ चेन रिलेशन. इट इज अ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स दैट को अकर इन द सेम सेंटेंस और टेक्स्ट. कि एक टेक्स्ट के अंदर जो एक सीक्वेंस बन रहा है वर्ड्स का वो सिंटैग्मैटिक रिलेशन, चेन रिलेशन. फॉर एग्जांपल इंग्लिश में सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप वर्ब यूज कर रहे हैं, बीच में कहीं हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर रहे होंगे, और उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं. ये कई दफा आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते. आई प्ले, इसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ. I am playing, object use नहीं हुआ. I am playing cricket, object use हो गया. I have played cricket, object use हो गया. उर्दू में मैं cricket मैं खेलता हूँ, ठीक है. Subject and verb, मैं cricket खेलता हूँ. Subject, verb and object. Subject, object and verb. अब basically क्या हो रहा है इसमें कि हम एक chain relation बना रहे हैं. जब हम tenses में ट्रांसलेशंस कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कौन से वर्ड कहां पे लेके आना है. अगर हमें क्वेश्चन फॉर्म बनानी है तो विल कहां पे आएगा, इस कहां पे आएगा, नॉट लगाना है तो नॉट की एसेंशियल पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब किस पोजीशन पे आएंगे, या लैंग्वेज के हिसाब से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इनकी प्लेसमेंट क्या होगी. तो एक चेन रिलेशन है कि हम उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे. सो दैट सीक्वेंस इज सिंटैग्मैटिक रिलेशन. Paradigmatic relation is a different type of semantic relation between words that can be substituted with another word in the same categories. तो ये basically क्या है? ये एक substitution है. हम alternative words use करते हैं. For example, I play, he plays. तो इसमें थोड़ा सा alternate हमने use कर लिया. आई के साथ प्ले लगा दिया, आई को रिप्लेस कर दिया ही से, प्ले को रिप्लेस कर दिया प्लेज से, क्रिकेट को रिप्लेस कर दिया हॉकी से. सो बेसिकली एक सेंटेंस को लेके दूसरा सेंटेंस बनाना, जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चरलिस्ट की थ्योरी थी कि जो बच्चा है वो इसी तरह सीखता है कि जब उसने एक दफा देख लिया एक प्रैक्टिस को कि उसने सुना कोई कह रहा है कि मुझे पानी पीना है, तो वो उसी सिंटैग्मैटिक रिलेशन को
इस्तेमाल करते हुए अपना एक सेंटेंस डेवलप करेगा कि मुझे दूध पीना है, तो पानी को उसने रिप्लेस कर दिया दूध से। अब वो इसी तरह उसको रिप्लेस करता रहेगा और उसके मेंटल लेक्सिकॉन में या उसकी लैंग्वेज के अंदर इजाफा होता रहेगा। दो दिस थ्योरी वाज लेटर ऑन रिजेक्टेड, लेकिन ये इनका एसेंशियली रिलेशन तो यही है कि आप वर्ड्स को रिप्लेस करके, ऑल्टर करके, सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स क्या करती है? दैट एम्स टू डिस्क्राइब लैंग्वेज एट सम पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टाइम, यूजुअली द प्रेजेंट। ज्यादातर हम इसे प्रेजेंट में ही यूज करते हैं क्योंकि सारी बात अब पास्ट के बारे में इतनी रिसर्च नहीं होती। तो अगर इसकी एग्जांपल ऐसे होगी, लास्ट टाइम भी आई कोटेड दिस, कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में रहने वाले जो मेल हजरात हैं, ठीक है, मर्द हजरात, उनकी राइटिंग्स में और फीमेल जो हैं उनकी राइटिंग्स में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये एक सिंक्रोनिक स्टडी है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कि हमने जेंडर बेस पे दोनों की लैंग्वेज को देख रहे हैं, हम दोनों का सिंटेक्स देख सकते हैं, हम दोनों की सिमेंटिक्स देख सकते हैं कि अल्फाज कैसे यूज करते हैं, मीनिंगफुल कैसे हैं उनके वर्ड्स, हम प्रैग्मेटिकल रिलेशन देख सकते हैं कि मेल जो है वो ज्यादा पन यूज करते हैं, ड्यूअल मीनिंग्स यूज करते हैं अपनी गुफ्तगू में, उनके जोक्स में ऐसा वल्गैरिटी इस तरह ज्यादा होती है। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक किसी खास टाइम को डील कर रहे हैं। डायक्रोनिक ऑन द अदर हैंड इज इन कंट्रास्ट, हम देखते हैं कि डेवलपमेंट या एवोल्यूशन जो लैंग्वेज का है थ्रू हिस्ट्री, सो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इससे डील करती है कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे हुई। फॉर एग्जाम्पल माई थीसिस वॉज इन एम्फिल वॉज अ डायक्रोनिक स्टडी ऑफ द स्पेलिंग चेंज, यानी जिसे हम एक चौसेरियन टाइम से लेके अब तक, यानी मॉडर्न एज तक, अब तक की एज तक जो हमने ऑर्थोग्राफी में चेंजेस देखी, ऑर्थोग्राफी मीन्स स्पेलिंग, तो जो स्पेलिंग्स के अंदर चेंज देखी ये हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ को हमने जिक्र किया था, बर्नर्ड शॉ ने बड़ा रोल प्ले किया लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने में। जो आप नाइट के स्पेलिंग पढ़ते हैं चौसर के टाइम में और आज के टाइम में, डिफरेंस है उसमें, उस जमाने के अप्रैल के स्पेलिंग में और अब के अप्रैल के स्पेलिंग में डिफरेंस हमें नजर आता। सो ये दिस इज सिंप्लीफिकेशन एंड चेंज। सो लैंग्वेज इज अ लिविंग फिनोमिना एंड एवरी लिविंग थिंग गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ चेंज। तो लैंग्वेज भी क्योंकि लिविंग बींग है, लिविंग फिनोमिना है, तो इसमें चेंज आती है। हम देखते हैं कि किसी जमाने में डाओ लिखा जाता था, फिर वाई ओ यू यूज हुआ, अब हम सिंपल टेक्स्ट मैसेज की लैंग्वेज में लेटर यू को लिखते हैं। सो देयर इज नथिंग डिस्ट्रक्टिव इन इट, रादर दिस इज अ चेंज, एवोल्यूशन का प्रोसेस है। मे बी आगे जाके लैंग्वेज बिल्कुल हमारी इतनी सिंप्लीफाई हो जाए कि आर की जगह हम लेटर आर लिखें, यू की जगह लेटर यू लिखें, टू की जगह न्यूमेरिक टू लिखें, बी की जगह सिंपल बी लेटर लिख दें। सो दिस इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल एज फार एज इनफॉर्मल चैट इज कंसर्न्ड। कॉम्पिटिशन एंड परफॉर्मेंस, सो दिस कॉन्सेप्ट इज बाय नोम चोम्स्की। ही सेपरेट्स कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। He describes competence as a capacity that is located as a psychological or mental property of function, and performance as the production of actual utterances. So, in a way, usne word utterance ka use kiya, sentence ka nahi kiya, kyunki sentence jo hai, that is highly abstract idea. Jab hum use bolte hain, to wo sentence nahi rehta, wo utterance ban jata. Jaise phoneme ek abstract unit hai, bolenge to wo phone hoga. मॉर्फीम एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है, बोलेंगे तो वो मॉर्फ हो जाएगा, लिखेंगे तो मॉर्फ हो जाएगा। सिमिलरली ये जो हमारी कैपेसिटी है बोलने की, कि मुझे इंग्लिश बोलनी आती है नहीं आती, मुझे उसके टेंसेस आते हैं, मुझे उर्दू कितनी अच्छी बोलनी आती है, मुझे उर्दू के अलावा पश्तो भी बोलनी आती है या पंजाबी बोलनी आती है, तो ये सारी की सारी मेरी कॉम्पिटेंस है, कोई काम करने की मेरी महारत। अब उसका करना जो है एक्चुअली बोलना, पश्तो बोलना, पंजाबी बोलना, इंग्लिश बोलना, उर्दू बोलना, सही बोलना, गलत बोलना, वो मेरी परफॉर्मेंस है। So, जो परफॉर्मेंस है बेसिकली दैट इज लाइक पैरोल, एंड कॉम्पिटेंस इज लाइक लैंग। जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए दे वर बाय सोसियर एंड दीज आर बाय नोम चोम्स्की। सो दीज वर सम ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो के
करने के बाद हम ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग द एंड ऑफ लिंग्विस्टिक्स,